अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि लोग देश के लिए जेल जाना कब शुरू करेंगे और उनकी भविष्यवाणी सच भी निकली। ब्रेकिंग स्टोरी राइट नाउ, अरविंद केजरीवाल हैज बीन अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। साहब बात पर भी पूरे कायम रहे। मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बड़े बड़े लोगों ने रिएक्शन दिया था। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि यह डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है। लोग यह बात बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार पर है। 2024 का चुनाव भारत को बचाने के लिए लास्ट चांस है, उसके बाद भारत रहेगा ही नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेसी 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 डेमोक्रेसी। क्या केजरीवाल को झूठे केस के अंदर फंसाया गया? जो लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई तो है ही। अब देखिए, लोग केजरीवाल को प्यार से हमेशा किंग ऑफ यू टर्न बोला जाता है, क्योंकि वे जो भी बात बोलते हैं उसके ऊपर मुकर जाते हैं, और उनके कुछ कार्यकर्ता भी ऐसे ही हैं। तो अपने काम से आया हुआ, आपने तो ये भी पकड़ा हुआ था। नहीं, यही गलती हो गई, इसीलिए तो साफ पकड़ के ले आए मुकेश जी। ये आपका है ही नहीं। नहीं तो किसने दे दिया? वो वहाँ जमीन में पड़ा था, वो मैं लेडी को देने लगा, इसलिए मैं साहब ने पकड़ लिया। केजरीवाल जिंदाबाद। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि यह डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, आम आदमी के नेता लोग बोलते हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार को चलाएंगे। शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। वाह, अब क्या कहें इन लोगों का। वर्क फॉर होम और वर्क फॉर ऑफिस तो हमने सुना ही था, अब वर्क फॉर जेल पहली बार सुना है। आम आदमी पार्टी के दूसरे दो लीडर जो पहले से ही जेल के अंदर है, जब सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर मसाज मिल सकती है तो केजरीवाल को अन्य सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। सबसे ज्यादा दुखी लगते हैं आम आदमी के कार्यकर्ता। अभी अपू। कुछ लोग तो बार बार डेमोक्रेसी के ऊपर लग चुके हैं। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। एक मैडम जी ने तो बराक ओबामा से हेल्प तक मांग ली थी। अब आप जरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में सोचिए, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है। अब वो कंप्लेन तो लगातार बहुत कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सुन भी नहीं रहे हैं। यही राहुल गांधी की पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। तो बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रहे और उनके ही खिलाफ केजरीवाल के ऊपर केस भी किया था। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है, उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं। केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को बहुत बार करप्ट भी बोला था। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सलमान खुर्शीद घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, जमीन घोटाला, आदर्श घोटाला। राहुल गांधी के मन में अब कितनी विडंबना है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन अलायंस का अब पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी जी ये बात बोलती है कि देश के अंदर अनऑफिशियली तरीके से इमरजेंसी चल रही है। इस तरीके की गिरफ्तारी हमने पहली बार देखने को मिली है। रवि कुमार भाई साहब ने तो 10 मिनट के अंदर ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दिया था। इंडिया ने बहुत बेईमानी कर ली इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश की जनता के साथ। अब यही खबर घर घर पहुंचेगी, विपक्ष भ्रष्ट है, विपक्ष के नेता जेल में हैं। लगातार 8 बार केजरीवाल ने ईडी को गच्चा दिया था। Why are you running? और लगातार 8 बार बच कर निकल चुके थे। कई लोग तो सोशल मीडिया पर फ्री केजरीवाल को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं पर जब केजरीवाल ने मजाक उड़ाया था, अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कौन कौन पार्टी सही है और कौन कौन गलत, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे सकते हैं। और 2024 का चुनाव इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है उसका भी जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।